शादी बहुत ही जरूरी और खुशी का मौका होता है। टॉम ने जेन के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या उसने गलत साइज ले लिया? एक समझदार दूल्हे ने जेन को शांत करने का तरीका ढूंढ ही लिया। हैली और जॉनी की लव स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग है। जेन को जल्दी उठना पसंद नहीं है, लगता है वो कुछ ज्यादा ही देर तक सो गई। हेली का मॉर्निंग रूटीन अलग है। काफी अच्छी सेल्फी है। जेन और अच्छा मेकअप, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर ब्राइड को सुंदर ड्रेस चाहिए होती है। कितनी सुंदर ब्राइड है। दूल्हा भी ऐसी सुंदरता को नहीं देख सकता। जब आप वेडिंग ड्रेस पहन रहे हो तो सही स्टाइलिस्ट का होना जरूरी है। बगीचे में चलते हुए हेली और जॉनी पर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकी जा रही है। लालची मेहमान टॉम और जेन पर बीज फेंकते हैं। ओह, क्या तुमने वेडिंग पिजन्स मंगवाए? हेली ब्राइडमेड चलती है। वो बहुत अच्छी दोस्त है। जेन की भी बेस्ट फ्रेंड है, पर फ्लू की वजह से वो ब्राइडमेड नहीं बन पाई। कितना बुरा हुआ। टॉम को मूवीज और पॉपकॉर्न पसंद है। स्टाइलिश बॉक्स और उसमें कुछ स्वादिष्ट भी है। क्या खैर, तुमने उस पर गेस्ट का नाम कैसे नहीं देखा? कितना क्यूट है। जॉनी ने इनविटेशंस का ध्यान रखा, वो एक परफेक्ट दूल्हा है। हेली को पता है कि अच्छा फोटोग्राफर सस्ता नहीं होगा। एक प्रोफेशनल की सर्विस तो महंगी ही होगी, पर हमारी लकी ब्राइड को डिस्काउंट मिल गया। अनलकी जेन भी फोटोग्राफर ढूंढ रही है। लगता है उसने चुन लिया। शादी जोरों शोरों पर है। दूल्हा कहाँ है?
शायद से उसे टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। पर लगता है कि वो पहुंच गया। यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। हेली बहुत रोमांटिक है, एक परफेक्ट कपल। ये क्या है? आप इसे सबको कैसे दिखाएंगे? पर पेस्ट्री शेफ को लगता है कि वो ठीक है। अनलकी ब्राइड का फिर से नुकसान हो गया। चालाक पेस्ट्री शेफ ने किसी का केक खा लिया। पर एक हल है। नहीं नहीं, पैसे नहीं, उसे पहले ही पैसे मिल चुके हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका जिन कब से इंतजार कर रही थी। वाह, दूल्हे की तरफ से एक सुपर बुके, ये काफी अच्छा लग रहा है। ये एक असली मार्शमेलो शावर है। वेडिंग फोटोशूट एक यादगार पल होना चाहिए। वाह, ये नई फैमिली के पहले बच्चे है। एक बेकार फोटोग्राफर अच्छी चॉइस नहीं है। फोन नहीं तो प्रॉब्लम नहीं। कितना प्यारा पल है। ये कितने अनलकी है। जॉनी और हेली खुश है और प्यार में है। यहाँ तक कि बदकिस्मती से गिरने की वजह से भी सेरेमनी खराब नहीं हुई। रिंग चुनना हमारी अनलकी जेन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ज्वेलरी स्टोर में बड़ी चोरी हो जाती है और जेन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है। जॉनी और हेली को अच्छे से अच्छा पानी की आदत है। एक के दाम में दो रिंग्स, ये सुपर डील है। हेली को लगता है कि उसकी शादी ऑर्गेनाइज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। एक फोन कॉल ने लकी ब्राइड की किस्मत तय कर दी। जेन हमेशा की तरह खुश है। यहाँ सब कितना सुंदर है। टॉम और जेन स्टार्स की तरह लग रहे हैं। जेन हमेशा की तरह खतरनाक और गुस्से में लग रहे हैं। मीठे के शौकीन टॉम ने अपने आप को खुश करने का तरीका ढूंढी लिया। सब कुछ भूल ही जाना चाहिए। रोने से बेहतर है डांस कर लेना चाहिए।